सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालमाई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं शेमुशी संस्कृत का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है गुणवती कन्या, और ये इसका तीसरा पार्ट है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अथ सा कन्या धात्री मुखेना तिथिम स्नानाया प्रीतवती। अथ यानी कि इसके बाद, सा यानी कि उस कन्या ने धात्री मुखेन यानी कि धात्री के मुख से अतिथि को स्नानाय यानी कि स्नान करने के लिए प्रेरितवती यानी कि भिजवाया। स्नान शुद्धाया तिथि थे तैल मामलकम चायच्छत। स्नान शुद्धाया यानी कि स्नान से शुद्ध ये अतिथि को तेल और आमला, तैलम प्लस अमलकम, अमलकम यानी कि आमला होता है, च यानी कि और, अयच्छत यानी कि दिया, यानी कि स्नान से शुद्ध हुए अतिथि को तेल और आमला दिया। फलक मारुह्य प्रांगण कदली दलम लभित्वा तत्रासनम भोजनाधारम च कृतवती। फलकम प्लस आरुह्य, फलकम यानी कि चौकी होती है और आरुह्य यानी कि चढ़कर, अर्थ है चौकी पर चढ़कर प्रांगणम यानी कि आंगन में लगे कदली दलम यानी कि केले के पत्ते लवित्वा यानी कि काटकर, तत्रा यानी कि तत्रासनम यानी कि तत्र प्लस आसनम, तत्र यानी कि वहाँ आसन, और भोजन परोसने का आधारम यानी कि आधार तैयार किया, च यानी कि और होता है। देखिए आसन और भोजन परोसने का आधार कृतवती यानी कि तैयार किया। पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहितोदनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती। पेयोपहार यानी कि पीने योग्य पेय पदार्थ, पूर्वम यानी कि पहले, और भोजनम यानी कि भोजन, यानी कि भोजन से पूर्व, भोजन से पहले पेय पदार्थ घी और सब्जियां सहित तस्मै यानी कि उसके लिए, और दत्तवती यानी कि दिया या परोसा। मध्य मध्य च विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णयित्वा रुचिमपि वर्धितवती। च यानी कि और, मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में, विविध भोज्यादि विभिन्न प्रकार के भोजनों के प्रकार का वर्णन करके रुचिमपि यानी कि रुचिम प्लस अपि, रुचिम यानी कि स्वाद होता है, स्वाद को भी वर्धवती वर्धितवती यानी कि बढ़ाया। देखिए किसी भी भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है अगर हम उस भोजन के स्वाद का वर्णन करें कि किस तरह से भोजन बना और क्या क्या उसमें डाला। तो इस तरह से इस कन्या ने वर्णन किया भोजन का और उसका स्वाद भी बढ़ाया। अंततः आखिर में शिशिरवारिणा, शिशिरवारिणा यानी कि शीतल जल से, पेयम प्लस आचमनम, पेय और आचमन यानी कि आचमन, प्रदत्तवती यानी कि प्रदान किया या पे कराया और आचमन कराया। भुक्ते तु तस्मिन् तयास्य शयन व्यवस्थापि कृता। भुक्ते तु यानी कि भोजन करने के पश्चात, तयास्य यानी कि उसके शयन व्यवस्थापि यानी कि शयन की व्यवस्था भी कृता यानी कि एवं यानी कि इस प्रकार कन्या गुण संपदा, कन्या के गुणों से संपन्न, समाकृष्ट यानी कि आकृष्ट हुए शक्ति कुमार ने विधिवत यानी कि विधिपूर्वक उपयम्य, उपयम्य का अर्थ होता है विवाह करके, और नीतवन यानी कि ले गया, यानी कि उस शक्ति कुमार ने उसे विधिपूर्वक विवाह करके अपने साथ ले गया। अतएव उक्तम, अतएव यानी कि इसलिए, उक्तम यानी कि कहा गया है, किम गृहिणः प्रिय हिताय यानी कि गृहिण यानी कि गृहस्थ के लिए, या गृहस्थ के प्रिय हिता यानी कि प्रिय हित के लिए क्या चाहिए। दार गुणाह, दार यानी कि स्त्री, और गुणाह यानी कि गुण, यानी कि स्त्री के गुण। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और इस वीडियो के, इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।